सो गाइज, अगर आपका यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आता है तो आज की वीडियो को देखने के बाद में आपकी यह प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 3 टिप जिसकी मदद से आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आने लगेगा। दोस्तों, सर्च में आने के लिए आपको क्या करना है वो मैं मोबाइल पे स्क्रीन पे ले जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिसकी मदद से आपका चैनल एक ही दिन में सर्च में आने लगेगा। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत ज़्यादा है नहीं दोस्तों, जो मैं स्टेप बताता हूँ बस उनको फॉलो कर लीजिए, आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आने लगेगा। तो गाइज, अब इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, इससे हुआ क्या जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो गाइज, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में ला सकते हो जो आपका नया चैनल आपने क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मैंने अभी चैनल क्रिएट किया है और वो मेरा सर्च में आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है शॉर्ट्स का पंगा, ये इसका नाम है दोस्तों, देख सकते हो आप, और इस पर अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। मेरा हर शॉर्ट वीडियो लगभग वायरल सा हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये मैंने कैसे किया और मेरा चैनल सर्च में आ रहा है या नहीं देख सकते हो गाइज आप। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ यूट्यूब पर और इस चैनल को मैं दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गाइज कि मैंने ये चैनल कब क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो गाइज, ये चैनल मैं अबाउट में जाता हूँ तो देख सकते हो गाइज, ये 10 जून को जो है मैंने क्रिएट किया था और इस पर 2740 व्यूज आ चुके हैं। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चैनल मेरा सर्च में आ रहा है या नहीं। तो मैं जैसे ही शॉर्ट का पंगा लिखकर टाइप करता हूँ यूट्यूब पर, तो गाइज आप देख सकते हो इस पर ये मेरा चैनल सामने आ रहा है, शॉर्ट्स का पंगा फर्स्ट नंबर पर आ रहा है फ्रेंड्स, और ये मेरी वीडियो शो हो रहे हैं। तो गाइज, आपको क्या करना है ये आपको चैनल सर्च में लाने के लिए स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है गाइज, गाइज आपको जो है ऐसा नाम रखना है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल भी ना हो। दोस्तों, अगर आप ऐसा नाम लिखते हैं, अपने चैनल का ऐसा नाम रखते हैं जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, उस नाम से आप कभी भी मत बनाइएगा। आपको एक अलग नाम से बनाना है। जैसे मैं सर्च करता हूँ गाइज टेक्निकल हरी टेक, तो गाइज ये मेरा चैनल है जो आप अभी देख रहे हो। तो गाइज देख सकते हो आप, अब फर्स्ट नंबर पे मेरा ही जो है चैनल आ रहा है, मेरी वीडियो आ रहे हैं। तो आपको ऐसा चैनल का नाम रखना है, यूनिक नाम होना चाहिए जो यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल ही ना हो। तो गाइज, अब मैं स्टेप नंबर 2 में आपको बताता हूँ। आपने मान लीजिए कोई भी नाम रख लिया जो यूनिक नाम है उसको रख लिया, देन उसके बाद में गाइज आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर के वाइट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ मैं। तो गाइज मैं वाइट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो आप। अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेटिंग के ऑप्शन आप पर आपको क्लिक करना है गाइज। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर चैनल के लोगो को आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, तो गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने शो होगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों कीवर्ड लिखने का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपने चैनल के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर लिख देने हैं। देखिए गाइज मैंने कैसे लिख रखा है, शॉर्ट्स का पंगा ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो गाइज मैंने हर तरीके से लिख रखा है गाइज, यहाँ पर देखिए शॉर्ट्स का पंगा, कम से कम 10-12 बार आप अपने चैनल का नाम लिखिए। तो गाइज देखिए आप, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, यहाँ पर भी लिख रखा है, शॉर्ट्स भी लिख रखा है, का भी लिख रखा है, पंगा भी लिख रखा है। दोस्तों अलग अलग तरीके से आप अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा इससे एल्गोरिदम है ये यूट्यूब का फ्रेंड्स, इससे आपका चैनल एक ही बनाते ही सर्च में आने लगेगा। दोस्तों जैसे आपने बनाया वैसे ही सर्च में आने लगेगा, तो ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो कर लेना है। और नंबर सेकंड का ये टिप्स था फ्रेंड्स। अब मैं आपको नंबर 3 बता देता हूँ गाइज, आपको क्या है अपने चैनल पर, अगर आपका चैनल फिर भी जो है शॉर्ट्स में नहीं आता है, ये काम करने के बाद में सर्च में नहीं आता है, तो गाइज आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड कर देनी है अपने चैनल पे, देन उसके बाद में आपका चैनल सर्च में आना ही आना है। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आप सब्सक्राइबर इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिए, आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टेक केयर फ्रेंड्स।